नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हरियाणा में पूरा खेल बदल चुका है। कांग्रेस की लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने ऐसी बाजी मारी है कि सारी संभावनाओं को तीर चला दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना में एग्जिट पोल के उलट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है। रुझानों में बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस को 36 सीटों पर बढ़त है। आखिर जमीन पर वो कौन से नैरेटिव चल रहे जिससे जीत से दूर नजर आ रही बीजेपी रुझानों में आगे हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतगणना में एग्जिट पोल के उलट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कांग्रेस से आगे दिख रही है। रुझानों में बीजेपी 48 सीटों पर बाजी मार चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जमीन पर वो कौन से नैरेटिव चले जिससे जीत से दूर नजर आई बीजेपी हरियाणा में जीत का परचम लहराएगी। तो चलिए वही नैरेटिव बताते हैं। पहला मुद्दा, सबसे ज्यादा बीजेपी ने चुनाव में उठाया कुमारी शैलजा का मुद्दा। कुमारी शैलजा को जिस तरह से उनकी इच्छा के बावजूद विधानसभा का टिकट नहीं मिला, उनके करीबियों को कम टिकट मिले, उससे बीजेपी ने खूब उठाया। साफ संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कदर नहीं करती। दूसरा मुद्दा, नौकरियों में खर्ची पर्ची का ट्रेंड बंद करना। बीजेपी खर्ची पर्ची के जरिए भूपेंद्र हुड्डा को घेरती आई है कि इनके 10 साल के कार्यकाल में खर्ची माने पैसे देकर और पर्ची माने सिफारिश पर ही नौकरियां मिलती थी। यही नहीं, ये नौकरियां भी रोहतक रीजन और जाट बिरादरी के लोगों तक सीमित रही हैं। जबकि बीजेपी का दावा रहा कि उनके 10 साल के शासन में नौकरियां बिना पैसे और भेदभाव के सभी वर्गों को दी गई। तीसरा मुद्दा, मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पंजाबी चेहरे के तौर पर उनको प्रमोट किया गया और जाट वर्सेस नॉन जाट के नैरेटिव के तौर पर उनको कुर्सी पर बनाए रखा गया। मगर चुनाव के चंद महीने पहले उनको जिस तरह से हटाया गया, उसके ये मायने निकाले गए कि बीजेपी ऐसा कर 10 साल की एंटी इनकम्बेसी खत्म करना चाह रही है। उनकी जगह एक ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को तवज्जो दी गई। ये बड़े कारण हरियाणा में बीजेपी की जीत की वजह बन सकते हैं और कांग्रेस के लिए मुसीबत की वजह बनेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।